एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंसरा में। गाइस ये देखिए चूरा की नमकीन, टेस्टी और यम्मी, 10 मिनट में बनाकर घर में ही तैयार करें। ये मार्केट में 200 से 250 तक में मिलने वाली नमकीन जो कि 10 मिनट में तैयार कर लेंगे, इतनी टेस्टी इतनी यम्मी नमकीन। तो चलिए देखते हैं कैसे बनी है। एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंसरा में। गाइस देखिए ये चूरा है, तो हम इनकी आज नमकीन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में नमकीन लेने जाओ तो जो नमकीन हम बनाने जा रहे हैं एकदम अच्छी सी शाही नमकीन, तो वो जाके 250-300 रुपए किलो मिलती होगी। तो हम घर में बनाएंगे अपने इंग्रेडिएंट से, अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसको हमने छान कर साफ कर लिया है गाइस। तो चलिए बनाते हैं। देखिए गाइस, हमने अपनी कढ़ाई रख दी है ऑयल डालकर। और एक बात, हमने जिसमें मसाला नहीं बनाया है, हमने मसाला नमक पहले ही बना के दिया था। हमने बोला था कि हम उससे कई सारी रेसिपियां लेके आएंगे, तो प्लीज अगर आप लोगों ने वो नमक वाला मसाला नहीं देखा है तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर हम आपको इन स्क्रीन में उसका वीडियो दे देंगे लिंक, तो आप देख लीजिएगा। और अगर नहीं मसाला है आपके पास वो, तो कुछ नहीं करना है, आप धनिया पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, मिर्च अपने हिसाब से, और नमक और काला नमक, ये मिला के आप अपना मसाला तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे, आगे जो नमकीन आएगी उसमें मसाला भी बनाना बताएंगे इसका। ये देखिए गाइस, ये हमारी स्टील की चलनी है जिससे हम आटा छाना करते हैं, बस इसी चलनी से आज हम नमकीन बनाना बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ऑयल को अच्छे से खूब हॉट गर्म होने देते हैं, खूब अच्छे से, क्योंकि अगर हम खूब अच्छे से गर्म नहीं होने देंगे तो चूरा हमारा जो है खिल कर नहीं आएगा, ठीक है गाइस। इसको चूरा भी बोलते हैं, इसको पोहा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर चूड़ा भी बोलते हैं, तो आप यहाँ जो भी बोलते हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप यहाँ क्या बोलते हैं इसको। तो चलिए बनाते हैं। ये गाइस, वैसे तो कम ऑयल में बनाने वाली नमकीन हम बता चुके हैं, ठीक है, बट आज हम शाही नमकीन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर तेल हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छे से होने देते हैं तेल को। ये देखिए गाइस, इस तरह से डालकर हम देख लेंगे कि अच्छे से हो जाए, तो हो गया। देखिए हो सकता है हो गया ना, क्योंकि इसकी अगर फ्लेम अच्छी होगी ना तो हमारा जो चूबड़ा है वो बहुत अच्छे से फूल कर आएगा। तो ये देखिए, हमने अपनी छन्नी इसमें रख दी है, ठीक है, और अब हम इसमें डाल देंगे चूरा डालेंगे, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें, ये देखिए, और इसको ऐसे स्पून से हिलाते रहेंगे तो ये फूल जाएगा अच्छे से। ये देख सकते हैं गाइस, ये देखिए अच्छे से खिल के आया है चूरा, तो इसको अच्छे से, ये देख सकते हैं कितना अच्छे से फूला हुआ है, क्रिस्पी एकदम हो गया है। ये देखिए गाइस, अब इस तरह से पकड़ लेंगे इसको, ठीक है, और आप देख सकते हैं सारा का सारा ऑयल भी निकल जाएगा। और ये देखिए, हमारा ऑयल भी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है, इस वजह से हमने बोला था। और इसको ऐसे हल्का हल्का झाड़ देंगे, सारा का सारा ऑयल निकल जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा जितना ऑयल है सब निकल जाएगा, तो आसानी से बन जाएगा ये। तो सारे ऐसे बना लेते हैं, फिर देख सकते हैं गाइस, हमने एक बड़े बर्तन में कर लिया है इसको। ये देखिए गाइस, लास्ट में थोड़ा सा तेल कम था तो हमने थोड़ा और ऐड कर लिया है, और अब हम लास्ट बैच सेकेंगे, देख सकते हैं। इसको भी ऐसे हिलाते हुए अच्छे से फ्राई करें, देख कितने जल्दी खिल के आ रहे हैं सारे ऊपर, ये देखिए खिल गए सारे, क्योंकि तेल अच्छे से गर्म होगा तो अच्छे से ये खिलेंगे और अच्छे से आएंगे। ये देखिए सारे क्रिस्पी हो गए, तो उसको निकाल लेंगे हम सारों को, आगे इंग्रेडिएंट देखते हैं। ये देखिए गाइस, एक कटोरी ग्राउंड नट, इसके बिना तो कोई भी नमकीन हो अच्छी नहीं लगती, तो फ्लेम को इस समय पर बिल्कुल धीमा कर ले, और धीमी फ्लेम पर इसको हमें भूनना है, ठीक है, ऐसे ही चलाते हुए धीमी फ्लेम पर हम भून लेंगे सारा। ये सारे जो इनग्रीडियंट अब हम भून रहे हैं, इनको आप कम फ्लेम पर कम ऑयल में भी भून सकते हैं। देखिए गाइस, चटकने की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये भून रहा है अच्छे से। देखिए गाइस, इनको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे अच्छे से, और ये 5 मिनट में बिल्कुल आप जितनी जल्दी बना के रख सकते हैं ये नमकीन, जो कि 200-250 रुपए की मार्केट में मिलती है, खास तौर से त्योहारों पर जैसे दीपावली है, होली है, इन पर, तो ये घर में आप बना के रखें, बहुत से सब तो खुशी हो जाएंगे, क्योंकि कोई जान सब यही समझेंगे कि ये मार्केट की है, कोई ये नहीं समझेगा कि आपने घर में बनाई है। तो इसको हम भूनेंगे ऐसे ही,
ये देखिए गाइस कलर चेंज हो चुका है और ये हमारी अच्छे से भून चुकी है, तो इसको हम हिला के सारा ऑयल निकाल देंगे इसका, और ये भी उसी जो जिसमें चूड़े हमने रखे हैं उसी में हम डाल देंगे। ये देखिए गाइस फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, और ये दूसरा इंग्रेडिएंट अपना नारियल, इसको भी हम गोल्डन होने तक भून लेंगे। इससे ना शाही नमकीन का स्वाद आएगा बिल्कुल, तो इसको भी अच्छे से भूनेंगे और उसी में हम डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए गाइस हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन भी हो गया, तो इसको हम उसी में डाल देंगे। ये देखिए गाइस अब हमने थोड़े से ले लिए हैं 10 से 12 बादाम, ऐसे कट कर दिए हैं, और ये काजू गाइस आप टूटे काजू भी ले सकते हैं, बट हमने लिए हुए हैं साबुत काजू जिनको हमने बीच से कट कर लिया है। ठीक है, इनको भून लेंगे, इनको भी हम हल्का रोस्ट करेंगे। ये देखिए गाइस ये भी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ठीक है, इनको भी निकाल कर उसी में डालेंगे हम। ये देखिए गाइस अब आ रही है किशमिश की, और हमने फ्लेम बंद कर दी है क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो इसको भी हमने फ्लेम बंद करके ही तेल में डाल देना है, बस हो जाएगी हमारी। ये देखिए हो चुकी है, बस इसको भी निकालेंगे और उसमें डाल देंगे। ये देखिए गाइस अब हमारी बनकर तैयार है, तो अब इसमें हम अपना जो होममेड नमक बनाया था मिर्च का वो ऐड करेंगे। ये देखिए अपने स्वाद के अनुसार इस तरह से, क्योंकि इसमें ऑयल खुद ही है तो ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा इसमें हम मसाले कुछ नहीं यूज करेंगे। अगर आपने ये मसाला नहीं बना के रखा है तो ये आप हींग, धनिया, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर अपने हिसाब से मिला लें, मिला के वो फिर मिक्स करें। ये देखिए चाट मसाला 1 स्पून, इसको भी हम ऐड करेंगे इस पर अच्छे से। अगर आप खट्टा ज्यादा खाते हो तो आप इसमें खटाई भी डाल सकते हैं, जो कि हम नहीं डाल रहे हैं। और ये रहा मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें। ये देखिए अब गर्म है तो थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे बिल्कुल जरा सा, ये भी इसी में भुन जाएगी। ठीक है, अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस सारा मिलकर सब कुछ तैयार है, बट अभी इसको भर के नहीं रखना है क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है तो नमक है इसलिए सीजन आ जाएगी, तो इसको हम होने देंगे पूरी तरह से ठंडा, फिर भर के रखेंगे। ये देखिए गाइस ठंडा हो चुका है, तो अब इसको हम एक कंटेनर में भर कर आराम से रख लेंगे। तो ये आप जब तक इच्छा है तब तक खाइए, बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी हमारी ये नमकीन है होममेड। इसमें आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सब कुछ ऐड कर सकते हैं। देखिए गाइस करी पत्ता नहीं हमने ऐड किया है, ना नीम की मीठी मीठा नीम यूज किया है, क्योंकि सबके घर में नहीं उपलब्ध होता है इस वजह से, तो हम इसमें अब सर्व कर देते हैं। आवाज सुन सकते हैं आप इसकी, कितना अच्छा कितना क्रिस्पी है ये। तो आज की हमारी ये रेसिपी चुवरा की होममेड नमकीन, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी, तो अपने घर में बनाइए और ट्राई करिए। 10 मिनट में बनाकर ये रेडी कर लीजिए और महीनों खाइए आप। अगर इसको भर कर रख देंगे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे तो ये महीनों खर्चा कर सकते हैं। आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।